नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रोपुंजी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के कल के लेवल के बारे में, यानी कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं इस बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा पहले का वीडियो यानी कि 18 अगस्त का निफ्टी के लेवल नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जहाँ हमने निफ्टी के लेवल बताए और उसी हिसाब से हमें निफ्टी में ट्रेंड देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमें निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और निफ्टी हमें 16,700 का टारगेट दिखा सकता है, तो एक्सपायरी के दिन हमें 16,700 के टारगेट देखने को मिला और उसके बाद में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। 16,590 पर एक अच्छा सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में हमें निफ्टी में 50 पॉइंट का डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें कल के दिन क्या करना है, फिर शॉर्ट टर्म में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। दोस्तों आज के दिन इंडियन मार्केट में हॉलीडे है और एसजीएक्स निफ्टी आज डाउन है 300 पॉइंट, यानी कि अभी एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है 16,250, तो ऑब्वियसली कल के दिन हमें निफ्टी में गैप डाउन देखने को मिलने वाला है। निफ्टी हमें डाउन देखने को मिलेगा, गैप डाउन ओपनिंग होगी और अगर हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलता है निफ्टी में तो आप 16,490 या 16,495 की प्राइस आता है तो आप एक पुट लेके रख सकते हो, लेकिन 16,500 का एक एसएल जरूर रखिए। बिना एसएल के काम मत कीजिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पे है, मार्केट अभी बाय ऑन डिप वाला नहीं रहा है, यानी कि आप डाउन पे एंट्री करो और हाई पे सेल कर दो, मार्केट ऑलरेडी हाई पर है तो आपको सेफ चलना है। और कल ऐसा भी नहीं करना है कि मार्केट ने ओपनिंग डाउन दी और आपने कॉल या पुट ले लिया क्योंकि पता चला मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल दिया और आपका एसएल उठ गया। मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, मार्केट ओपन होने के बाद में 15-15 मिनट के दो कैंडल बनने के बाद में ही आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। वैसे भी नॉर्मल डे पे भी आपको मार्केट को कुछ टाइम देना है, उसके बाद में आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मार्केट गैप डाउन या गैप ओपनिंग देता है, गैप अप देता है, तो उसके बाद में अगर हम बीच में ही एंट्री लेते हैं, मार्केट ओपन होते ही एंट्री ले लेते हैं तो आधा घंटे बाद में हमारा ऐसा लेट हो जाता है। यहाँ पर आपको सेफ चलना है ताकि आपको लॉस ना हो। और अगर 16,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें एक छोटा सा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट कल 16,350 के इधर क्लोजिंग किया या डाउन क्लोजिंग किया तो हमें आगे और भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है टेक्निकल के हिसाब से, क्योंकि अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की तो ऑप्शन चेन में हमें मार्केट अभी बुलिश ही बता रहा है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से हमें मार्केट डाउन बता रहा है। तो बिना एसएल के दोस्तों काम बिल्कुल भी मत कीजिए, एसएल कंपलसरी रखिए, क्योंकि आपने बिना एसएल के काम किया, कॉल लिया या पुट लिया तो आपको हैवी लॉस देखने को मिल सकता है। डिसिप्लिन रखिए तभी आप मार्केट में प्रॉफिट कमाओगे, बिना डिसिप्लिन के आप अपना प्रिंसिपल भी लॉस कर सकते हो। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।